कोई जगह है ही नहीं, इसीलिए इन लोगों को यूज एंड थ्रो की तरह सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। 31 मार्च 2022 को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। मुट्ठी की रेत की तरह हाथ से फिसल गई नौकरी ने तकरीबन 28,000 CHA के करियर को कोमा में पहुंचा दिया। हाथ से छिन गई नौकरी को लेकर ये लोग 1 अप्रैल से जयपुर के शहीद स्मारक के पास आंदोलन पर बैठे हैं। आंदोलन कर रहे आर पार की लड़ाई के रूप में आंदोलन कर रहे CHA संगठन को कई नेताओं का समर्थन भी मिला। बुधवार को कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने इनके बीच बैठकर इनका हौसला बढ़ाया, इनकी मांगों का समर्थन किया। कांग्रेस के धर्मेंद्र राठौर भी इनके समर्थन में पहुंचे थे, वहां पर खड़े दिखाई दिए। वहीं बीजेपी की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र सिंह राठौर भी अपना समर्थन जता चुके हैं। 21 दिनों से धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धैर्य तब जवाब दे गया जब चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दो टूक कह दिया कि कोविड खत्म तो नौकरी खत्म। चिकित्सा मंत्री के बयान के बाद CHA ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। वो दिल्ली पहुंचकर अब कांग्रेस हाईकमान से गुहार लगाएंगे। सवाल ये है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए कोई जगह नहीं है जहां इन्हें स्थायी तौर पर समायोजित किया जा सके? इनके समायोजन से क्या प्रदेश सरकार पर इतना ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसका निर्वहन करना मुश्किल हो जाएगा? सवाल ये भी है कि संकट काल में जब ये लोग लोगों की मदद कर सरकार के साथ खड़े थे तो क्या इनके लिए सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता है? एक रिपोर्ट के बाद करने से चिलचिलाती धूप और गर्मी में जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का दर्द बेहिसाब है। सरकार की बेरुखी और बेरहमी ने इनके करियर को अंधे कुएं में धकेल दिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने इन्हें लोगों की सेवा के लिए कोविड स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रदेश भर में तैनात किया, लेकिन कोरोना का स्तर कम हुआ तो उन्हें यूज एंड थ्रो की तर्ज पर सिस्टम से बाहर कर दिया। 31 मार्च 2022 को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। हमारी महत्वपूर्ण मांग है, हमें हमारा रोजगार लौटाई और जनता की सेवा करने की जो मानस भाव है हमें वो करने का मौका दिया जाए। और संवेदनशील मुख्यमंत्री से निवेदन है, अगर 20 दिन में एक स्वास्थ्य कर्मचारी की मांग को नहीं माना जा रहा तो ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की। मुख्यमंत्री से ये कहना हमारी जॉब लौटा दो, आप नहीं लौटा तो हम यही बैठे रहेंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। हमारे लिए धमकी दे रहे, FIR कर देंगे, जो भी करना कर दो, हम तो यही बैठे रहेंगे। सरकार को 10 महीने हमने काम किया था कोविड में, वार्ड में भी ड्यूटी लगाई थी हमने, घर घर जाके सर्वे किया था, सब कुछ काम किया, 3 महीने के लिए लिया तो फिर बड़े क्यों था सरकार की, जब तक जरूरत होती रही बढ़ाते रहे, फिर काम खत्म हो गए हमारे को हटा दिया। पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे इन CHA के दर्द को कुछ नेताओं ने समझा और इनके साथ खड़े दिखे। बुधवार को मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने हौसला बढ़ाया। वहीं बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी आंदोलन कर रहे CHA के साथ आ गए हैं। वहीं दौसा पहुंचे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोविड हेल्थ सहायकों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि इन्हें प्रदेश में कोविड के दौरान लगाया था, अब कोविड खत्म हो गया है तो इनका पद भी खत्म हो गया है, अब इन्हें होमगार्ड की तरह समायोजित करेंगे और आपातकाल में इनसे काम लिया जाएगा। केवल कोविड के समय इनको लगातार कोविड है नहीं, इनका काम पूरा हो गया। कोविड सहायिका पर कोई भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संख्या भली ज्यादा है लेकिन इनकी मांगे रोजगार है, वो भी संविदा कर्मी के तौर पर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जब सरकार को मैन पावर की जरूरत थी तब उन्हें इनका इस्तेमाल किया,
लेकिन जरूरत खत्म होते ही इन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया। अगर मुसीबत के दौर में ये सरकार के साथ खड़े रहे तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि इन्हें भी सिस्टम में कहीं जगह दे दे। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। जोखिम में डाले जा नौकरी गई। सवाल ये है कि क्या यही मिला इनाम, क्योंकि कोविड का दौर अगर काल आपको याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त अस्पतालों में जगह नहीं थी, स्टाफ की कमी पड़ गई थी, घर वालों को अलाउड नहीं था परिवार के पेशेंट के बीच में आना। यानी अस्पताल जाने के बाद लोगों की जिंदगी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी नहीं पता था, और जो नौकरी कर रहे थे वो भी इसकी जद में आते जा रहे थे। उस वक्त इन लोगों ने सरकार नहीं बल्कि समझिए पूरे राजस्थान का हाथ थामा था, लेकिन आज जब हाथ थामने की बारी आई सरकार की तरफ से इनका, तो सरकार ने साफ कह दिया कि अब कोविड है ही नहीं, आप लोगों की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ जितने मेहमान जुड़े मैं परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर, सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आखिर दिल्ली कूच करने से क्या वाकई में समाधान निकल जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, जब कांग्रेस के ही कुछ नेता कल जाकर समर्थन कर रहे थे तो उसके बाद आखिर ये दो टूक जवाब आज जब आया, इसके पहले ये क्यों नहीं दिया गया या फिर इसका मतलब क्या है। मेरे साथ हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा वहीं से जुड़ रहे हैं जहां पर धरना चल रहा है। प्रदीप चौधरी जी, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश भंडारी जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ मुकेश पारी साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ देर में हो सकता है कि सीएचए ग्रुप से ही कोई ना कोई हमारे साथ रहे, लेकिन शशि सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप सभी का स्वागत है। अभी स्थिति वहां की क्या है? प्रसादी लाल मीणा के दो टूक बयान के बाद कहा जा रहा है कि बड़ा आक्रोश फैल चुका है, दिल्ली कूच करने की तैयारी है या सरकार से अभी उम्मीदें हैं? देखिए संजय, मैं सारी स्थिति आपको बयां करूंगा कि प्रसादी लाल मीणा के बयान के बाद क्या स्थिति है। हालांकि इन लोगों में नाराजगी है कि होमगार्ड की तरह उनको समायोजित किए जाने को लेकर के बयान सही नहीं है, लेकिन इन लोगों की मांग सरकार से है, मुख्यमंत्री से है, वजीर आजम से है और निजाम से है। लेकिन निजाम दो तरह के हैं, एक निजाम वो है जो सरकार में बैठा है, लेकिन एक निजाम ये है जो धरने पर बैठे हैं। ये धरने पर बैठे हैं, ये निजाम है और ये निजाम के पुत्र है, लेकिन दोनों का धरना चल रहा है और परिवार के साथ धरना चल रहा है। इनकी माँ भी, इस बच्चे की माँ भी यहाँ पर धरने पर बैठी है। नियम आप बताइए, परिवार में इस बच्चे को आप लोगों ने क्यों बिठाया? ये अब हम अगर यहाँ पे हैं तो अब ये किसके भरोसे रहेगा? हमारी तो रोजी रोटी चली गई है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, एक ही दिन से बैठे हुए हैं हम, लेकिन सरकार हमारा कुछ भी सुख देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। हम परेशान हैं, हमें हमारी रोजी रोटी दी जाए बस, सरकार से यही निवेदन है। क्या बात हुई आपकी सरकार में किसी से भी, किसी स्तर पर क्या बात? सरकार ने हमको 31 मार्च को लास्ट अंतिम आपकी समयावधि अंतिम है, इसलिए हमको नौकरी से बाहर कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से चिकित्सा मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था कि आपकी सर्विस को कंटिन्यू रखा जाएगा और सीएचए को, हर एक सब सेंटर पे सीएचए को रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही 31 मार्च आया उन्होंने हमारी सेवाएं समाप्त कर दी और आज हम बेरोजगार हो गए हैं और अब हम कहीं जाने के नहीं रहे। अगर आपके हाथ में कमान होती तो आप क्या करते? क्या आप सबको रेगुलर करते संविधान पे लेते? सभी लोगों की भावनाओं को देखते हुए ऐसा कदम लेते कि हम सभी, जिससे सभी 28,000 परिवारों की रोजी रोटी का संकट ना बने। देखिए संजय, 28,000 परिवारों की रोजी रोटी की बात की जा रही है यहाँ पर, सवाल ये नहीं है कि ये नियमित होने की मांग कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग है कि संविदा कर्मी यानी जो ठेका कर्मी के रूप में आप रखते हैं कर्मचारियों को दूसरे विभागों में जरूरत के मुताबिक, उस हिसाब से इनको भी जगह दी जाए। यहाँ पर कई महिला कर्मचारी भी हैं जो सीएचए के रूप में काम कर चुकी हैं, उनकी भी अभी भावना हमने देखी, ये कह रहे थे कि सरकार ये कह रही है कि होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दे दी जाए, काफी पैसा खर्च करने के बाद में इन्होंने पढ़ाई की। क्या क्या है आप लोगों की फीलिंग सरकार जब ये कहती है कि अब सीएचए को नियमित नहीं किया? सर हमारी उम्मीदें जो भी सरकार पे टिकी थी उन्होंने बहुत गलत किया, हमें इतना तक बोल दिया कि आप चिकित्सा विभाग में नहीं आते हो। अब जब हमने सबने नर्सिंग कर रखी है तो हम किस तरह से चिकित्सा विभाग से अलग हुए? हम कोई इंजीनियरिंग या किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है, हम मेडिकल डिपार्टमेंट में है, और हमने कोई कोविड हेल्थ असिस्टेंट का हमने डिप्लोमा नहीं करा, नर्सिंग का डिप्लोमा करा, हम सबके पास डिग्रियां डिप्लोमे हैं और सब लोग मतलब जिन लोगों ने कोविड में लोगों को मौत के मुंह से बाहर लेके आए, आप उनके मुंह से निवाला छीन रहे। सर आपको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही हम पे, बच्चों के छोड़ के आए हैं सर हम यहाँ पे, 21 दिन हो गए गर्मी में बैठे हुए हैं,
कितनी मुश्किल कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं हम, पर आपको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा भी नहीं है। आप दर्द भी नहीं खा रहे इस बात पे, कितने छोटे छोटे बच्चे प्रेग्नेंट औरतें अपने घरों को छोड़ के आई, मेरा 1 साल का बच्चा है वो भी मैं छोड़ के आई हूँ। सर हम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और आपने हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में कर दिया। ना हमने कोचिंग की है, ना हमने प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी। सही शशि, मैं आपकी बात छोड़ के आया, जब हमने मुसीबत में साथ दिया था तो फिर हमारा साथ क्यों छोड़ दिया गया? ये सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लेता हूँ। प्रदीप जी, मैं आपसे ये सीधा सवाल यही है, इस महिला का सवाल, ये जो आंदोलनकारी इन्हीं का सवाल कि जब हम लोगों ने मुसीबत में साथ दिया, आज जब हमारा साथ देने की बारी आई तो सरकार ने हाथ क्यों छुड़ा लिया? संजय जी, ये मुद्दा नया नहीं है। देखिए, सरकार में आपदा प्रबंधन होता है, आपदा प्रबंधन में लोगों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन वो अल्पकालीन अवकाश होता है। जब तक आपदा उपस्थित रहती है उसके अनुसार रोजगार दिया जाता है, रोजगार की सारी जो कंडीशंस है वो बनाई जाती है। अब सवाल ये है कि सरकार ने अगर घोषणा की कि इस आपदा के लिए हमें लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, तो उसकी टर्म कंडीशन उस समय जिसमें रोजगार दिया जाता है उस समय नियत की जाती है और उनको बताई भी जाती है, एक करार भी होता है, उस करार के माध्यम से उन्होंने उस जॉब को स्वीकार किया है। अब 28,000 लोगों ने वो स्वीकार किया, मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ, कांग्रेस भी सहानुभूति रखती है, लेकिन सवाल ये है कि जो संविदा कर्मी संविदा के लिए रखे गए हैं उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सरकार में नहीं हो सकता है। और जिस तरह की बात हो रही है, चूंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, जिस तरह की आपदा आई थी उस आपदा का साइज बहुत बड़ा था और देशव्यापी आपदा थी, तो उस समय इस मानव संसाधन की जरूरत थी, तो 10 लोगों को संविदा के आधार पर काम दिया गया। उस समय भी क्लियर दिया गया था कि संविदा का रोजगार है, नियत समय के लिए दिया जाएगा और सरकार की आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा। अब आज ही हमारे चिकित्सा मंत्री प्रताप मीणा ने जो स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च के बाद ये सेवाएं समाप्त हो गई हैं, तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनको आपातकाल में जब भी मौका मिलेगा होमगार्ड के माध्यम से उनको नियोजित किया जाएगा। सर ये तो वही तो है कि अगर यही करना था तरीके से करते, आप वो तो साफ कह रहे कि हमें परमानेंट बंद करिए लेकिन संविदा पर तो रखिए। ठीक है, मैं परसादी लाल मीणा के ही एक बयान को हमारे इमरजिंग राजस्थान कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा था, क्या आश्वासन दिया था, जरा ये भी सुनवाते हैं आपको, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूं। नहीं करते हमारे सीएचओ, हमने अभी सीएचए लगाए, 25,000 सीएचए लगाए, हमने 12,000 सीएचओ लगाए, हर सब सेंटर पर एक सीएचओ होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, पोस्टिंग देने वाले हैं, एक एनएम जीएनएम रहेगी, एक सीएचए रहेगा, हर सब सेंटर हमारा अब खुला रहेगा, निश्चित रूप से हम वहाँ पर 3 का स्टाफ रहेगा। तो गांव स्तर पर जो हमारी प्रारंभिक तौर पर जो हमारी हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, दवाइयाँ जांच वगैरह, हम उसको निश्चित रूप से मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बताइए, हमारे ही मंच पर इन्होंने, मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और आज साफ कहा कि कोविड नहीं तो नौकरी भी नहीं। चतुर्वेदी साहब, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं सीएचओ ग्रुप से ही। देखिए संजय जी, हाँ, जिस संदर्भ में ये बात हो रही है, मैं उस संदर्भ की मैं बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ये कहा है कि इन लोगों को आपदा प्रबंधन में जब भी मौका मिलेगा इनका इस्तेमाल की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने अभी 1.5 लाख रोजगार सृजन किए हैं, उसमें जिसमें जिसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके माध्यम से वो विभिन्न सेवाओं के माध्यम से सरकार में आवेदन कर सकते हैं। इनमें विभिन्न राजस्थान जिस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब इनकी एलिजिबिलिटी चेक की गई, तब ये बेचारे अस्पतालों में जाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हम सब की सुरक्षा कर रहे थे, और आज जब इनके बारे में सोचने की बारी आई तो एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है। मैं आता हूं आपके पास, इनकी समस्या है क्या, पहले सुनिए पूरी तरीके से। कशिश कछवाहा साहब मेरे साथ हैं, अध्यक्ष सीएचओ ग्रुप से मेरे साथ जुड़े हैं। कशिश जी, आपदा प्रबंधन में सुन तो लीजिए, मेरे साथ सीधा सवाल जवाब मैं करवा देता हूं। कशिश जी, सरकार ने साफ कहा, यानी स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि नो कोविड नो जॉब, आप अपना देख लीजिए, धरना देना तो दीजिए, फर्क नहीं पड़ता सरकार को, सरकार के काम में सहायता करे, ये सबकी जिम्मेदारी है। इस पूरे आंदोलन में डॉक्टरों ने, पुलिस ने और स्वयंसेवी संगठनों ने 24 घंटे काम कर समाज की सेवा की है, इसलिए इस आपातकाल में इनके साथ साथ और वर्ग भी हैं जिन्होंने सेवा की है और उनकी भी नौकरी छिन गई क्या, उनकी भी नौकरी छिन गई क्या सर, उनकी भी जॉब चली गई, इनका तो पूरा मानदेय तक अभी तक सरकार नहीं दे पाई है।
सर सवाल जवाब का नहीं, जवाब तो जॉब तो टेम्परेरी लेवल पे दिया गया था। संविधान में जो जॉब दिया गया वो परमानेंट नहीं होता, वो संविधा के आधार पर दिया गया। उस संविधा के अनुसार सरकार ने फिर वादा किया है कि जब भी आपदा होगी इन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर। सुनिए तो सुनिए, कशिश जी हमारे साथ, कशिश का सवाल आपने बात रखिए, यही कहना है कशिश का सवाल आपने बात रखिए, सरकार के प्रवक्ता बैठे इनके तक, इनके तक बात पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाएंगे। सर सर जैसा कि ये कह रहे हैं कि आपदा के अंदर हमारा वापस से यूज किया जाएगा, हाँ। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमको डिस्पोजल नहीं है जो हमारा यूज किया जाएगा, हाँ। जब भी हमारा यूज किया, मतलब अभी भी अगर कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी सरकार ने हमारा यूज करा 31 मार्च 2022 को, हमारे को डिस्पोजल की तरह हमारे को निकाल करके पटक दिया। क्या नर्सिंग कर्मी अगर कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान हम लोगों ने अपने तन मन और धन, मैं तीनों बात बोलूंगा, तन मन और धर्म कर्म और वचन, तीनों जितनी भी चीजें हैं उन सबसे हमने इस वैश्विक महामारी के दौरान हमने काम करा, तन से ऐसा करा, सभी को पता है, मन से भी करा और धन से भी करा, क्योंकि अभी तक जो कोविड वैश्विक महामारी के दौरान जो हमने काम करा है अभी तक उनको हमारा पेमेंट भी नहीं मिला। यहां तक कि हम जो वैक्सीनेशन का काम करते थे उसके लिए कोई TADA नहीं दिया जाता था, जबकि हमारे को दूर दराज कम से कम 20-50 किलोमीटर तक हम खुद अपने पर्सनल व्हीकल से जाया करते थे, उसका भी कोई TADA नहीं है। 9 महीने हमारे को लगे हुए हुए, अभी तक हमारे को हमारा वेतन भी नहीं मिला। क्या सरकार हमारे को या नर्सिंग कर्मियों का हमेशा डिस्पोजल की तरह यूज में लेगी, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, घर घर जाकर के सर्वे करा, हमारे कई साथियों की कोरोना के अंदर मृत्यु भी हो गई। और यहां तक कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्रसादी लाल मीणा जी ने एक चीज और कही थी हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने कि हम लोगों को CHA और CHO को जल्दी ही जो भी PSC CHC है उसमें डाला जाएगा, और जबकि हुआ उसके विपरीत, 31 मार्च 2022 को हमारा जो एक्सटेंशन आना था उसमें हमारे को एक्सटेंशन देने के तोहफे की बजाय जबकि हमारे को निकाल करके पटक दिया, जो कि बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। 28,000 CHO संवेदनशील मुख्यमंत्री जिससे आस लगाए बैठा है, लगातार 21 दिन से धरना जारी है, कई प्रेग्नेंट वुमेन्स हमारे साथ में बैठी है, अगर उनके साथ में यदि किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है, जबकि हमारे एक CHO साहब, आप ये बताइए आगे क्या करेंगे, आप तो प्रसादी लाल मीणा साहब का ही भाई है, फ्रस्ट्रेशन डे है, तो आपकी आवश्यकता क्या है। यदि मैं यही कहना चाहता हूं सर कि हमारे को बिल्कुल डिस्पोजल की तरह यूज कर लिया, और हमारे कई साथी टीम बना करके आला कमान से, कांग्रेस के आला कमान से गुहार लगाने के लिए जल्दी हो सकता है कि दिल्ली की तरफ कूच भी करें। ठीक, पारी साहब मैं आपके पास आता हूं, ये बताइए यूज एंड थ्रो। मुझे याद है अच्छी तरीके से जब सरकार की प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की थी कि भाई कोविड को लेकर राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है, तब उनमें लगभग आधी हिस्सेदारी आधी मेहनत इनकी भी थी। आपके भी नेता जाकर इस आंदोलन में शरीक होकर आए हैं, समर्थन देने की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तो इनके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेचारे 9 महीने की अब तक तनख्वाह ढंग से नहीं मिली है, घर परिवार की जो खुशियां थी वो काफूर हो चुकी हैं, पिछले 21 दिन से छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरने पर महिलाएं बैठी हैं, कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल संजय जी, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, ये इस विषय से समझ में आता है। 21 दिन से तपती हुई धूप में हमारे वो युवा जिन्होंने इस कोविड काल में, इस कोविड की महामारी में जिस प्रकार से जनता की 24 घंटे सेवा की अस्पतालों में, अस्पतालों के साधनों के साथ एक ट्रेन जो पूरा नर्सिंग स्टाफ है उनके साथ लगे रहे, और इनके कारण काफी कुछ अस्पतालों में लोगों को राहत मिली और लोगों को इलाज मिला, मरीज वहां पर गए और इन्हीं लोगों के द्वारा 24 घंटे वहां पर काम किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री के, मुझे वापस वो रिपीट नहीं करना, चिकित्सा मंत्री जी के दोनों बयान आपने दिखाए हैं, एक बयान जिसमें वो इनको नौकरी पे रखने की बात कर रहे हैं, दूसरा बयान वो कि अब कोविड गया तो इनकी जरूरत नहीं है। देखिए कांग्रेस का शासन के पश्चात आज प्रदेश हमारी बेरोजगारी के रिकॉर्ड बना रहा है, आज चिकित्सा विभाग में 28,000 जो ये कर्मी है इनको, जबकि ये परमानेंट जॉब नहीं मांग रहे, इनको सरकार चाहे तो इनको लगा सकती है। और देखिए आप कितना आश्चर्यजनक और आश्चर्यास्पद बात है कि हमारे चिकित्सा मंत्री जी कहते हैं कि इनको होम गार्ड के माध्यम से, एक आप नर्सिंग स्टाफ जिसने डिप्लोमा या डिग्री की है उसको आप किस प्रकार की बातें करके उनका अपमान करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और एक और बात, कांग्रेस के एक तरफ चाहे इनके हरीश चौधरी हो और चाहे धर्मेंद्र जी राठौड़ हो, वह जाते हैं और इनसे बात करते हैं और कहते हैं आपकी मांगे वाजिब है,
आपको सरकार रखेगी, आपकी सरकार आपकी नौकरी पर विचार कर रही है और आपको निष्कासित नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर चिकित्सा मंत्री जी जब एक कार्यक्रम में आप ही के कार्यक्रम में कहते हैं कि इनको रखा जाएगा और आज वो बयान देते हैं कि हम इनको 31 मार्च को इनकी सेवाएं समाप्त हो गई है, तो इस प्रकार से सरकार का जो हमारे युवाओं के प्रति जो रवैया है ये बहुत ही कष्टदायक है। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद हमारी सरकार इस बार किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की भी ये मांग है कि 30 दिन से जिस प्रकार से सप्ती हुई धूप में वो युवा जिन्होंने संकट काल में हमारे राजस्थान प्रदेश की सेवा की, हमारे राजस्थान प्रदेश के मरीजों की सेवा की, उनको राजस्थान सरकार को निष्कासित नहीं करना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। ठीक है सर, प्रदीप जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा प्रकाश जी के पास। क्या यूज एंड थ्रो है सीएचए? जब मारा है तब इस्तेमाल करिए, जब मारा है तब इनको निकाल कर जो है कि इनको बेरोजगार कर दीजिए, इनका चूल्हा बंद कर दीजिए। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को इस मसले पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी तब इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को सारा रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और नेता जो भ्रष्टाचार में शामिल है सांसद उनको हम जेल में भेजेंगे, इसके साथ साथ 15-15 लाख रुपए देने की खाते में भेजने की बात कही। भ्रष्टाचार यूज एंड थ्रो है क्या? छोड़िए बीजेपी का, बीजेपी इसमें कहां से आ गई अभी फिलहाल? सवाल जो आपके बगल में बैठे हुए हैं कोई साथ से सहायक के प्रतिनिधि, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी के नेता जाएंगे वहां पर राजनीति करेंगे अगर आप मौका देंगे तो? बात है आपके नेता गए हैं, अरे राजनीति जब देश को धोखा देने वाले लोग हैं, इनको क्या नैतिक अधिकार है? ये 28,000 परिवार को कह रहे हैं कि हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। प्रकाश भंडारी साहब इसका जवाब दीजिए सर, राज्य सरकार की संवेदनशीलता है इनके साथ? प्रकाश भंडारी जी, ये सीएचए बेचारे डिस्पोजल है, जब मन किया तब इस्तेमाल करें, जब मन किया डस्टबिन में डाल दीजिए। काफी हद तक मैं प्रदीप चतुर्वेदी के दिए गए तर्कों से सहमत हूँ। उसका कारण यह है कि एक तो कोरोना जब आया वो आपातकाल आपस्थिति थी, आपदाकाल की स्थिति थी। दूसरा, सरकार ने अपने जो संसाधन उसका उपयोग करते हुए जो एचआर वाला प्रॉब्लम होता है, जैसे मानव संसाधन है उसको इकट्ठा करना, उसे ट्रेन लोगों को लेना, जैसे भी थे उसमें नर्सें भी होंगी और भी दूसरे ट्रेड के लोग भी होंगे, तो एक ऐसी स्थिति थी। हाँ। क्योंकि पूरी दुनिया लड़ रही थी, सिर्फ राजस्थान नहीं लड़ रहा था, उस स्थिति से पूरी दुनिया लड़ रही थी, और ऐसी आपदा की स्थिति में जो जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाए गए। अब ये तो कोई बात नहीं बनती कि आपातकालीन जो आपातकालीन बिल्कुल सही आपने कहा। छोटा सा ब्रेक के लिए जाना पड़ा सर, उसके बाद मैं आता तो आपको बात पूरी करने के लिए पूरा मौका दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा चल रही है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि साथ मांग रहे मुसीबत के साथ ही यानी 28,000 परिवार इस वक्त अपने तमाम लोगों और छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पर धरने पर बैठा है। वो कह रहा है कि जिस वक्त हम मौत के बीच में जाकर अपनी जिंदगियां खपा रहे थे, अपना वक्त बिता रहे थे और लोगों की जिंदगी बचा रहे थे, आज जब हमारे लिए खड़े होने का वक्त आया तो कोई साथ में नहीं है। भंडारी साहब, मैंने आपको बीच में रोका था, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद चलेंगे आगे सवाल। देखिए, ये शोरूम के अंदर बैठ करके हमें एक तरह का प्रयास कर रहे हैं कि उनके प्रति सहानुभूति हो जाए दर्शकों की और श्रोताओं की। ये कोई मेरे समझ में कोई हम कुछ अच्छा नहीं सोच रहे। सवाल ये है कि आपकी नियुक्ति किस हिसाब से हुई थी, आपकी सेवाओं की शर्तें क्या थी और सरकार की जो आपद नियुक्ति की गई थी उसके क्या कारण रहे और आपने जो वो नियुक्तियां हासिल की उसके क्या कारण और वो क्या मजबूरियां थी। ये आपने सेवा दी बहुत अच्छा, साल दो साल चलाया भी आपने। आपके वैसे कई जाने गई और कई जाने बची, सब इसे सबको पता है। लेकिन आप ये आपने सेवाएं दी उसकी शर्तें थी और उसके बाद पक्की नौकरी मांगने की। ये पक्की नौकरी का परवाना जो है सरकार के ही खाते में जाता है। ये बात नहीं समझी लाल मीणा खुद ही कह चुके हैं, जितने छोटे छोटे सीएससी जीत रहे हैं आम लोगों को देखिए। संजय जी आप जो है आप इनका जो पक्ष ले रहे हैं और जो सहानुभूति दिखा रहे हैं उसको सरकारी तंत्र में उसकी कोई जगह नहीं है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नियुक्ति किस हिसाब से दी गई थी, आप उसमें ध्यान दें। अब आप उनके सुनवाई पे आ गए। नहीं सर, मैं पूछ रहे तो मैं सुनवाई नहीं बोल रहा, मैं तो बस इतना चाह रहा, हम सभी चाह रहे हैं कि अगर इन लोगों ने मुसीबत में साथ दिया है तो शायद इनके लिए सरकार कुछ सोच ले। मैं पूछ लेता हूँ आप ही के सवाल के जवाब देने बेराम। और आप 28,000 लोगों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कोशिश हमारे सुनिए सर, सुन तो लीजिए। कशिश जी प्रकाश भंडारी कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक समझौता हुआ था, पहले बताया गया था आप लोगों को, वो क्या था कमिटमेंट सरकार का? कुछ लोगों के जो आदमी काम कर रहे हैं, सरकार ने कहा था कि हम आपको कभी भी हटा सकते हैं, जो शैक्षणिक योग्य रहता है तो सरकार उसका ध्यान रखेगी कि अगर जो सरकार ने एक महीने के तीन तीन महीने का जो हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया, उस एक्सटेंशन को बढ़ाने के साथ साथ लोगों का उत्साह भी और ज्यादा बढ़ता गया। आज वैक्सीनेशन का कार्य देखे तो हमने अव्वल पे मुख्यमंत्री जी को वहां पर पहुंचाया और राजस्थान का नाम आज टॉप पर लेके चल रहा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के काम के साथ साथ हमने जो अव्वल पे पहुंचाने का काम किया राजस्थान सरकार के साथ साथ, हम उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक मंत्री जी आकर के ये कहते हैं कि आप लोगों को आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रघु शर्मा जी ये कहते हैं कि हमारे लगाए हुए फूलों को कोई नहीं उखाड़ सकता। प्रसादी लाल मीणा जी एक समय पे बयान देते हैं कि हम लोग आपका कोई कैडर बयानों को लेकर, और दूसरी बात कहते हैं बयानों को लेकर ये बताइए, अगर आप लोगों को जब नौकरी दी गई थी तब सरकार ने क्या कहा था कि हम आपको परमानेंट करेंगे, आपको संविदा पर आगे रखेंगे, या फिर जब ये कोविड खत्म होगी उसके बाद फिर जब भी वैकेंसी निकली है तब एक्सटेंशन के बेस पर, चाहे वो वित्तीय वर्ष हो चाहे वो कौशल्य वर्ष हो। और अभी 2013 के अंदर स्वाइन फ्लू को लेकर के वैकेंसी निकली थी, वो भी संविदा पर पे निकली थी और उन लोगों को 2017 में उन लोगों को परमानेंट कर दी। जब भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एक ऐसी महामारी थी जब भाई भाई का सगा नहीं था, बेटे को हाथ नहीं लगाता था, बेटे बाप को हाथ नहीं लगाता, जबकि स्वाइन फ्लू में लगे हुए सभी स्टाफों को 2017 के अंदर परमानेंट कर दिया। तो क्या कोविड के अंदर हम लोगों ने जो काम करा वो केवल डिस्पोजल के लिए काम करा? क्या दो महीने के लिए काम करा? अगर हमारे को एक बेस बनाया, जब स्वाइन फ्लू वालों का बेस भी आधार भी यही था, हमारा आधार भी यही है, और जब भी संविदा का आधार होता है तो तीन महीने के एक्सटेंशन के बाद लगातार एक्सटेंशन आकर के उनको एक परमानेंट दिया। और हम कभी भी मांग भी नहीं कर रहे परमानेंट की, हम तो हमारी ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी को कंटिन्यू करना चाहिए। आज अगर
सरकार के प्रति गहलोत जी ने भी ये कहा था कि इनकी एक वॉलंटियर फोर्स बनाई गई, तो मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या वॉलंटियर फोर्स का मतलब ये होता है कि साल के अंदर 2 महीने या 15 दिन हमारे को नौकरी दे देंगे तो 15 दिन की हमारे को पेमेंट मिलेगी? मैं एक इस मंच के माध्यम से एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या वो हमारे को 26,500 के साथ 500 जो हमारा वेतन है उसके साथ पूरे साल की क्या हमारे को पेमेंट दे देंगे? क्या 31 दिन का महीने का हमारे को पेमेंट दे देंगे क्या वॉलंटियर के साथ? ठीक है, मैं सवाल के जवाब देता हूँ ना। सबसे पहले मुकेश पारिक साहब ये बताइए, मुकेश पारिक साहब, प्रदीप प्रकाश भंडारी साहब भी कह रहे हैं कि जब सरकार ने कमिटमेंट किया था तो शायद ये इज्जत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 28,000 परिवारों को 28,000 लोगों को नौकरी देना इतना आसान नहीं होता किसी भी सरकार के लिए, ये बोझ भी होगा, और जब पहले बता दिया गया तो फिर इज्जत किस बात की? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से एक विरोधाभास है। मंत्री जी ने कहा कि कोविड खत्म हो गया, अब इनकी नौकरी की जरूरत नहीं है, और आज ही कल ही मुख्यमंत्री जी ने कोविड को लेकर मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। ये लोग नौकरी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं। राजस्थान का बेरोजगार युवक नौकरी मांग रहा है, कोई अन्याय नहीं कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि सर कोविड गया, अब कोविड मंत्री जी कह रहे कोविड गया, दूसरी ओर आप अगर आपने कितनी नौकरी ले दी, कहीं गया नहीं, आपने कितनी नौकरी ले दी, आपने राष्ट्रीय उन्नति को प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कही, आपने कितनी नौकरी ले दी, राजस्थान 7 साल में आपने कितनी नौकरी ले दी, आपने देश का मूर्ख बनाया रोजगार के नाम पर, आप झूठ बोल रहे, आप लोगों को बरगला रहे, आज ये बात कर रहे हैं, आपको नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में। अरे सर, कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं, प्लीज इस पर राजनीति मत करिए, इसको देश लेवल पर मत ले जाइए, इन 28,000 परिवारों के बारे में सोचिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अशोक गहलोत के बीच में मत मसले को फंसाइए, प्लीज प्लीज आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोगों से अनुरोध है सर, प्लीज इस मसले को और कहीं मत ले जाइए, राजनीतिक तरीके से अपने इस पर साधने की कोशिश मत करिए। कशिश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा शशि मोहन शर्मा के पास, उनसे एक एक छोटा रिएक्शन वहां से लूंगा, उसके बाद मैं आता हूं फिर। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे जो 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है उस पर राजनीति न की जाए, क्योंकि हमेशा यही होता है कि कांग्रेस सरकार आती है तो भाजपा में डोलती है और भाजपा सरकार आती है तो हमेशा कांग्रेस में डोलती है। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक 28,000 जो कि शायद इस बार पर निगाह टिकाए बैठे कि कब अशोक गहलोत जी हमारे को वापस से हमारा रोजगार देंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल जो हम लोग हैं केवल बात उसी पर हो, किसका जेब काट, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं क्या, आप लोग दिल्ली कुछ करेंगे जब सरकार यहाँ पर नहीं कह रही है, तो फिर दिल्ली जाने का क्या फायदा? ठीक है, मैं आता हूँ शशि, शशि मैं आपके पास आता हूँ, बिल्कुल ठीक है सर, शशि मैं आपके पास आता हूँ, ये बताइए, आपने पूरी डिबेट सुनी, यहाँ से दोनों तर्क दिए जा रहे हैं, जब सरकार ने पहले कहा था तो फिर बैठने का क्या मतलब है भाई, सरकार कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी, वरना पहले साफ कहा गया था कि आप लोगों की आवश्यकता तभी है जब देश के भीतर ये आपदा पैदा हुई है। संजय, देखिए थोड़ा सा वक्त चाहूंगा आपसे, सबसे पहले प्रकाश भंडारी जी का की बात का जिक्र करूंगा, जो वो कह रहे थे कि ये क्यों स्थायी नौकरी मांग रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि जब मैंने भी कई लोगों से बातचीत की, जो लोग इस धरने पर नहीं आए, इन लोगों से बातचीत नहीं कर सके, वो शायद इस मुद्दे को ही नहीं समझ पाए, ये स्थायी नौकरी नहीं मांग रहे, यहाँ हर किसी को इस बात का पता है कि सरकार स्थायी नौकरी नहीं दे सकती, लिहाजा वो केवल संविदा कैडर में कोई अगर जगह हो तो उस जगह को देने की और संविदा पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिससे भविष्य में कभी अगर कोई भर्ती होती है तो इनको कुछ बोनस मार्क्स मिल सके। और दूसरी बात रही इसकी कि ये किसके माथे जाएगी ये 28,000 नौकरी, तो जिसके माथे 50 यूनिट बिजली फ्री जा रही है उसके माथे जाएगी, जिसके माथे ओल्ड पेंशन स्कीम जा रही है उसके माथे जाएगी, और भंडारी जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्लासमेट रहे हैं इसलिए वो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री कितने उदार मना है और बड़ी सोच रखते हैं, लिहाजा अगर जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है तो उन संविदा कर्मियों के लिए संविदा कर्मियों का कैडर भी दिया जा सकता है इनके लिए। और देखिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी कहती है कांग्रेस के ऊपर बात, कांग्रेस के प्रदीप जी कहते हैं बीजेपी के ऊपर बात, लेकिन यहाँ एक तस्वीर दिख रही है, ये चार्जिंग बोर्ड है संजय, ये मोबाइल जो है सारे, ये सारे सीएचए हैं और ये चार्जर बीजेपी और कांग्रेस हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है कि कौन सा मोबाइल चार्ज हो रहा है, इनको केवल अपनी रोजी रोटी से मतलब है, उनको अपनी भूख मिटानी है और परिवार पालना है, चाहे बीजेपी की सरकार उनको संविदा पे दे चाहे कांग्रेस की सरकार उनको संविदा पे दे, वो केवल संविदा मांग रहे हैं। और हमारे साथ जो सीएचए हैं उनसे पूछ लेते हैं, आम लोगों में और कई वरिष्ठ पत्रकारों में ये कहना है कि आप लोग नौकरी मांग रहे हैं, स्थायी नौकरी आपको किस खाते दी जाए,
हमारी जवाबदेही ना तो सरकार के प्रति है ना हम आपके प्रति सहानुभूति खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जनता के बीच में सही मैसेज जाए। आप लोग क्यों बैठे हैं, क्यों यहाँ से नहीं जा रहे हैं, क्या चाहते हैं, सही बात जाए। देखो साहब, बात यह है कि हम डिग्री और डिप्लोमाधारी नर्सिंग स्टाफ हैं। राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, नर्सिंग के फील्ड के अंदर कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। जैसे रीट के पदों पे इन्होंने 5,000 की वैकेंसी निकाली है। राजस्थान के अंदर लगातार नर्सिंग के क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ती आ रही है। राजस्थान के अंदर नर्सिंग के अंदर स्टूडियो में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सरकार के जब काम किया तो काम किया, उसका पैसा दिया सरकार ने, उसके बाद में आप क्या मांगते हैं सरकार से, उनका ऐसा कहना है। अच्छा, हमारा ये कहना है तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि महामारियों का दौर आता जाता रहा है। जब हमारी वैकेंसी हुई तो हमारी मेरिट बेस के आधार पर हुई, हमारी डिग्री डिप्लोमा धार के आधार पर हुई। इन्होंने 3 महीने के लिए रखा, हमारी सोच को गुलाम इन्होंने लगातार करते आए। 9 महीने 10 महीने में हमसे काम करवाया, हमने घर घर का सैंपलिंग की है, कोई बड़ी भर्ती हमारी फील्ड के अंदर आई नहीं है। और जब इस आस के अंदर आए तो हमें इन्होंने 31-2 लात मार के निकाल दिया। हमारा ये है कि हम स्थायी नौकरी नहीं मांग रहे, सरकार टेबल पे बातचीत के लिए बुलाए, हमारा सीधा संवाद कराए सरकार से। हम सरकार को समझाने का प्रयास करेंगे कि 28,000 को आप हमें अलग वेतन दो, आप 7,900 वेतन दो, लेकिन ये प्रायोरिटी दो। संविदा कैडर का मतलब प्रायोरिटी होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर आने वाले भविष्य में स्थायीकरण का रास्ता प्रदान। तो देखिए संजय, आपने सुना कि ये कह रहा है कि इनकी सोच को गुलाम बना दिया गया सरकार की तरफ से, जिस तरीके से इनसे काम कराया गया फिर छोड़ दिया, वो सोच को गुलाम बना दिया, और ये कह रहे हैं कि संविदा पे ही वो मांग रहे हैं। बिल्कुल सही, सबसे बड़ी बात ये कि बातचीत के लिए कम से कम आए तो सही, कोई बातचीत करने के लिए आने को तैयार नहीं। ठीक है सर, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास, दोबारा प्रदीप जी इसका जवाब दीजिए। सर, बातचीत के लिए कोई नहीं आया और आप लोगों ने 3 महीने का कमिटमेंट किया, 9 महीने आपने काम करवा लिया। संजय जी, हाँ जी, संजय जी मेरा सवाल ये है कि 16 महीने के आपदा प्रबंधन में इनको जो अपॉइंटमेंट दिए गए हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर जरा आप इनसे लीजिए और मुझे बताइए उसमें टर्म कंडीशन क्या है, सरकार ने क्या शर्तें लागू की, किन शर्तों पर इनको रोजगार दिया था, उस एक अपॉइंटमेंट लेटर को हमारे सामने पेश कीजिए, अपन बात चर्चा करते हैं कि जिन शर्तियों के साथ इनको ये काम दिया गया था संविदा पर, उसकी शर्तें क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदीप जी सुनिए ना, सुनिए, ये भी आपके हैं, सुनिए एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए, ये राजस्थान से बाहर के नहीं है, ये भी आपके हैं, चाहे आप नौकरी देंगे चाहे नहीं देंगे। सवाल ये है कि जो आपने लिख के दिया था वो जाहिर सी बात है, लेकिन इनकी मेहनत को आपने देखा, नीति निर्धारण में ये बातें लागू नहीं होती। नहीं, सुनिए ना, इनकी मेहनत क्यों नहीं होती है सर, लेकिन रोजगार के मामले में सरकार की अपनी योजना है। आप कहते हैं कि हम लाखों नौकरियां देने के लिए तैयार हैं, अरे ये तो ट्रेंड है, ये तो ट्रेंड है, बातचीत करने के लिए रास्ता तो खोलिए उनका। सवाल ये है संविदा कर्मी संविदा के रूप में रहेंगे, और सवाल रोजगार देने के मामले में संविदा की शर्तें लागू हुई है तो संविदा में आगे भी देने को तैयार है। हाँ। ये प्रोविजन सरकार कर रही है, कहां 21 दिन से धरने पर बैठे, कौन सुनने को तैयार है, में इनकी सेवा लेने के लिए 21 दिन से धरने पर बैठे सर, कौन सुनने को तैयार है, कोई बातचीत करने के लिए गया सरकार की तरफ से? हाँ भाई, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, अभी आप लोग उठ के चले जाइए, बाद में आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हरीश चौधरी गए, हरीश चौधरी गए इनके पास, धर्मेंद्र राठौर के पास गए, तो हरीश चौधरी को कह के आए कि आप लोगों की जीत होगी। हरीश चौधरी कल कह के आए सर, प्रदीप जी, हरीश चौधरी कल कह के आए हैं कि भाई आप लोगों की जीत होगी, संयमित तरीके से धरना करते रहिए। और आज प्रसादी लाल मीणा कह रहे हैं कि नो कोविड नो जॉब, ये मिल गया क्या इनको इनाम? उन्होंने प्रोविजन की बात की है, हाँ। उन्होंने प्रोविजन की बात की है, लेकिन हरीश चौधरी इनके पास जाकर के इनकी बात सुनकर मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया है, हाँ। धर्मेंद्र राठौर ने जाकर के बातचीत की है और इनको फीडबैक दिया है, इसलिए सरकार इनके सतत संपर्क में है, सरकार को फीडबैक मिल रहा है, लेकिन 28,000 लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। कशिश क्या बात की थी हरीश चौधरी और धर्मेंद्र राठौर से, बताइए। बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल सर, मैं एक चीज कह रहा हूँ, सर्विस सेक्टर से जाइए, आप प्राइवेट सेक्टर से जाइए, आप सरकार से नौकरी मांगने की बात कर रहे हैं, जब आप दलता है आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस सेक्टर में जाइए, और रोजगार है, एक सेकंड बैंक जो सुनिए, लोन में नहीं मिलता है, जो सुन लीजिए, चुनाव नजदीक है सर, बेरोजगारी मसले पर इतना इस तरीके से मत बोलिए, रुकिए, एक लेटर, वो लेटर भी आ चुका है, मैं दिखाता हूँ, शशि हमारे साथ जुड़े हैं, रुकिए कशिश में आता हूँ, ये देखिए शशि पढ़ गए इसको एक बार सर पूरा बताइए। संजय देखिए, ये सरकार के चिकित्सा विभाग का आदेश है, 16/10/2021 का है, इसमें कहा गया है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक के नियोजन के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, साथ ही उक्त मैन पावर को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NCD से संबंधित सर्वे और डोर स्टेप दवा वितरण हेतु भी कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश की निरंतरता में
इन नियोजित कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाओं का समुचित एवं अधिकतम उपयोग किए जाने के दृष्टिगत सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि उक्त कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु संचालित डोर टू डोर सर्वे, एंटी लार्वा गतिविधियां, IEC गतिविधियों, रोगी भार के अनुरूप विभिन्न चिकित्सालयों में एवं कोविड टीकाकरण में भी आवश्यकता अनुसार दिया जाना सुनिश्चित करावे। इसमें देखिए संजय, मैं एक बार फिर कहूंगा, एंटी लार्वा गतिविधियां, IEC गतिविधियां जो कभी बंद ही नहीं होती है। IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, चिकित्सा विभाग जिसके ऊपर फोकस करता है, लोगों के बारे में जागरूक रखता है, और वो जो मुख्यमंत्री के निरोगी राजस्थान के अभियान की मूल भावना है, उसके लिए इन लोगों को किया गया था। मैं एक बार फिर दोहरा दूं संजय, कि ना हम सरकार के पक्षकार हैं, ना पैरोकार हैं, ना इन लोगों के पक्ष में सहानुभूति खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन जनता के प्रति, जो दर्शक देख रहे हैं, उनके प्रति जवाबदेह है कि उनके सामने सच आना चाहिए कि हकीकत क्या है, और उसके बाद में दर्शक खुद ये तय करेंगे कि कौन। बिल्कुल सही, और सवाल ये भी है कि जो जो हकदार है उसको वो हक मिलना चाहिए। अब ये सरकार तय करे और पब्लिक तय करे और सभी लोग तय मिलकर करें, लेकिन जाहिर सी बात है जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर बातचीत चर्चा तो होगी। प्रदीप जी, अब ये बताइए, डेंगू मलेरिया सब खत्म हो गया क्या? उस पर बकायदा लिखा हुआ है कि अगर ये कोविड खत्म हो जाता तो भी इन तमाम बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि आवश्यकता अनुसार सरकार इनका उपयोग करेगी। हाँ। सरकार की आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की बात इसमें लिखी है, और प्रसाद मीणा जी ने कहा है कि क्योंकि कोरोना महामारी खत्म हो गई है इसलिए सुविधाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसमें लिखा है कि जब जरूरत होगी तब सेवाएं ली जाएंगी। अब सरकार के पास नियमित स्टाफ है और कोरोना महामारी का कोई दौर नहीं है, इसलिए सरकार अपने नियमित स्टाफ के माध्यम से सेवाएं देने को उपलब्ध है और सक्षम है। इसलिए ये अतिरिक्त संसाधन इसके चाहिए। सरकार अभी संसाधन की कमी की वजह से इसमें संकुचित वातावरण रखी हुई है, और इसलिए जब मौका पड़ेगा इनको समायोजित किया जाएगा। आपदा जब भी आएगी कोई ऐसी स्थिति बनेगी, मेरा इनसे आग्रह है कि मिलकर के सरकार में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें अपनी योग्यता अनुसार अपने आप को समायोजित करें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, अपनी अपना काम करें। बैंकों से लोन की सुविधा है, मैं समझता हूं देश में चिकित्सा का बहुत बड़ा स्कोप है इन व्यवसायियों के लिए। तो मेरा मानना यह कि सरकार के भरोसे न रहकर अपने अपने क्षेत्रों में अपनी विशेषताओं को लेकर। कशिश जवाब दीजिए, क्या कहना है कि प्राइवेट सेक्टर देखिए आप लोग जो सरकारी भर्तियां निकल रही है, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें अप्लाई करिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्राइवेट नौकरी तो हम पहले भी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट हमने सहकरण की बात को करी नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि संविदा कैडर की मांग कर रहे हैं। प्राइवेट हम पहले भी कर रहे थे, मेरी खुद की पेमेंट पहले 32,000 रुपए थी। मैं खुद राजस्थान के अंदर वापस इसलिए आया ताकि हम हमारे माँ बाप के पास रह सके। गवर्नमेंट की सेवाएं हमने करी है कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान, आप सभी लोग जानते भी है। हम सहीकरण की मांग कर भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि हमारी जो 7,900 आपने पेमेंट रखा है, आप 7,900 के अंदर भी हम आपके साथ में काम करने के लिए तैयार है। आपने कोरोना काल के अंदर हम लोगों को रखा था, उसके बावजूद भी हमने एनसीडी का काम करा, वार्ड में काम करा, ओटी के अंदर हमने काम करा, यहां तक कि लार्वा और जो मुख्यमंत्री जी की एक योजना है चिरंजीवी योजना, उसके अंदर भी हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो एनसीडी का कार्य लगभग 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो काम हमने राजस्थान सरकार को मात्र 7 दिन में करके कंप्लीट करके दिया है। तो क्या राजस्थान सरकार इतनी स्वार्थी है कि हम लोगों को यूज करके और छोड़ देगी? क्या ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान जब हम लोगों ने इतनी बेहतरीन सेवाएं दी, और आने वाले समय में भी हम राजस्थान सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है? और क्या कोविड आगे नहीं आएगा? क्या आपने यूज करा, अब आप लोग कह रहे हैं कि जाकर के वापस प्राइवेट सेक्टर में चल जाए? एक बात बताए, नहीं वो तो सारी बातें हो गई, ये बताइए क्या आप लोग राउंड द टेबल बातचीत करने के लिए डिमांड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सरकार ने साफ कर दिया, समझिए। मैंने एक विकल्प सुझाया है। बिल्कुल, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। मैं हरीश चौधरी जी की बात करूँ, धर्मेंद्र राठौड़ जी की बात करूँ, हमने हमारे प्रयासों से उनसे मिलने की, हमारे रसों से मिलने की उनसे प्रयास करें, लेकिन सरकार ने 21 दिनों से अभी तक कोई भी डेलीगेशन वार्ता के लिए कोई भी पत्र हमारे पास नहीं है। ठीक है सर। मुकेश पारी साहब, मेरा सवाल ये है, चूंकि आप राज्य सरकार के जो इनकम आप सोर्स है वो समझते हैं, किसे जी क्या है, हर बात के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, किसानों की कर्ज माफी से लेकर तमाम चीजों को लेकर आपने देखा, तो क्या जब बीजेपी ये मांग उठा रही कि भाई इनको परमानेंट किया जाना चाहिए या नहीं तो कम से कम संविधान पर रखना चाहिए,
सरकार की स्थिति को जानते हुए ये मांग करना, ये सिर्फ राजनीति है अपने फायदे के लिए की जा रही है या फिर जनमत? बिल्कुल राजनीति नहीं है। हाँ। संजय जी, जो चिकित्सा का क्षेत्र है, आज हम ये जानते हैं कि राजस्थान में चिकित्सा की कई पोस्ट खाली है। हाँ। और ये नर्सिंग के ट्रेंड स्टाफ है। अगर जो ये संविदा पर अगर मांग कर रहे हैं, अगर सरकार सकारात्मक रवैया अपना है, सरकार इन बेरोजगार युवाओं के साथ बैठे जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा और डिग्री की हुई है, तो निश्चित रूप से अगर सरकार इसको सकारात्मक रूप से लेगी तो इनका कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदीप जी बात कर रहे हैं या प्रकाश जी कह रहे हैं, इसमें इनकी हमने लोग इसमें ऑर्डर में ये लिखा था, हालांकि शशि जी ने आपको वो भी बता दिया, तो इसमें ये लिखा हुआ था और ये ऑर्डर थे। राजस्थान का युवा जो बेरोजगार है, एक मिनट अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बोलने नहीं देते, सुनिए तो बोलना, आपको टाइम मिलेगा, नियुक्ति हो सकती है, सुन तो लीजिए उनकी बात को, सुन तो लीजिए। देखिए संजय जी, आप रोकिए, अगर ऐसे तो फिर हम क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बोलिए बोलिए। सरकार को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हाँ। सरकार को इनके साथ बैठ के बात करना चाहिए। अभी इन्होंने स्पष्ट कर दिया इनके प्रतिनिधि ने। हाँ। कि सरकार की तरफ से कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। अगर राजस्थान का युवा उसकी मांग गलत है या सही है, आप देखिए इस पर नहीं जाइए, लेकिन अगर धूप में गर्मी में 21 दिन तक बैठा है और सरकार इतनी अपनी हर धर्मी दिखाए कि उनसे मिलने भी नहीं जाए, उनका कोई प्रतिनिधि साफ भी नहीं करना, आपने साफ कहा कि नौकरी देने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन सर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पर बैठे हैं, महिलाएं बच्ची है, कुछ हो गया तो क्या सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे को खुद नहीं भेजा जा सकता बातचीत करने के लिए? रास्ता तो निकालिए, बातचीत तो करिए, समझा कर, अगर आपको नौकरी नहीं देनी तो बातचीत करने के लिए तो कम से कम आगे आइए। ऐसा है कि कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करता है, आदमी जाके आंदोलनकारियों से बातचीत करता है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की जितनी बड़ी जेब है उसमें कितना माल है और कितना उसमें देने का है, तो सवाल यह है कि जो नुमाइंदगी करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होता कि वो सरकार की तरफ से कोई वचन दे के आए। तो नहीं तो सर आंख थोड़ी ना बंद कर लेंगे सर, काम करते हैं, ये भी राजस्थान के लोग हैं, आंख थोड़ी ना बंद कर लेंगे अगर कोई धरने पर बैठा है। वो ये आप सरकार है ना, आपकी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान की, चाहे वो आपका साथी हो चाहे विरोधी हो। देखिए संजय जी आप नियुक्ति की मूल भावना को देखें, जो नियुक्ति की मूल जो शर्तें हैं उसे देखें तो मेरे ख्याल से विवाद वहीं समाप्त हो जाता है। आपकी शर्तें, आपकी जो नियुक्ति की शर्तें थी वो एक आपत स्थिति में आपकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है सर, की कुछ शर्तें थी भंडारी साहब, वो शर्तें हमने देख ली, माफ करिएगा समय, फिर मैं बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, आप ही के बारे में ऐसा हो रहा है, माफ करिएगा, समय खत्म हो गया आप सभी का, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हाथ जब पकड़ने की बारी आई, हाथ छोड़ दिया गया उनका, अब भी कहना है, यानी 28,000 लोगों का कहना है कि हमसे सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो, नौकरी नहीं मांग रहे, हमने तमाम नौकरियां छोड़कर सरकार के कहने पर ज्वाइन किया था, 3 महीने का कमिटमेंट था, 3 से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया, हमारी उम्मीदें बढ़ती चली गई, तमाम लोग आए, लगा कि हम भी सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन आज एक झटके में हमारे हाथ छिटक कर हमें दूर कर दिया गया, हमारे घर के चूल्हे बंद हो चुके, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर बैठी हुई है, 21 दिन हो चुका है, सोचिए राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में आप क्या झेल पाएंगे जाकर, लेकिन ये बेचारे उस पहाड़ उस पत्थर पर जाकर बैठे हुए, पार्क में बैठे हुए और सरकार से मांग कर